नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, जहां गैरी बैलेंस जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए शतक जड़ने में कामयाब रहते हैं और एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं और वो दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरा बताने वाला हूं आपको। सबसे पहली बात तो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए चौंकिए मत, क्योंकि इससे पहले वो इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलने लगे। तो आपको बता दूं कि वो मूल रूप से जिम्बाब्वे के ही थे, लेकिन इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नजर आते थे, जहां वो अच्छा प्रदर्शन भी किए थे। आपको याद होगा 2015 वर्ल्ड कप, जहां वो मेन स्क्वाड का हिस्सा थे इंग्लैंड के। भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, अच्छे शतक जड़ते थे, अच्छा औसत रहा है उनका। लेकिन अब वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने शतक जड़ के दो टेस्ट नेशंस की तरफ से खेलते हुए शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दूं ये रिकॉर्ड ये कायम करने वाले और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। पहले बल्लेबाज आपको बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से खेले थे, उस बल्लेबाज का नाम है कैप्रेल वेसल्स, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दो देशों की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। और गैरी बैलेंस वो दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं विश्व के, जो इंग्लैंड की तरफ से भी टेस्ट में शतक जड़ा, वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए भी शतक जड़ा। जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए एक तरीके से उनका अब लास्ट फेस है, अभी 33-34 साल के हैं, लेकिन वो लास्ट फेस में अपने देश की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जो आखिरी मुकाबला उन्होंने टेस्ट खेला था इंग्लैंड की तरफ से, वो 2017 में खेला था, लेकिन अब जो लंबा गैप आया इंग्लैंड की टीम में, उनकी वापसी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अब ऐसे ऐसे खिलाड़ियों से भरी हुई है, जिसके बाद ऐसा माना जा सकता है कि उन खिलाड़ियों का जो कम अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो उनका टीम में वापसी करना मुश्किल है। तो इसलिए गैरी बैलेंस ने यह फैसला किया कि अब वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, जहां उन्होंने शतक जड़ दिया है। मुश्किलों में थी जिम्बाब्वे, लेकिन उनके शतक के बाद अच्छी स्थिति में आई और एक तरीके से वेस्ट इंडीज को अब टक्कर देती हुई नजर आई। पांचवा दिन अभी बचा हुआ है, चौथे दिन उन्होंने शतक जड़ा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अपना फ्यूचर देखते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ भी उनका बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है, 7 पारियों में 71 की औसत से 503 रन बनाए हैं, 2 शतक और 2 अर्धशतक भी जड़े हैं। जी हाँ, तो 2 शतक भारतीय टीम के खिलाफ आपको याद होगा, साउथहैम्पटन में या नॉटिंगम में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2014 का जो भारतीय टीम का दौरा था इंग्लैंड के लिए, उसमें वो बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेफ्टी बल्लेबाज काफी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, जहां मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे थे भारतीय गेंदबाज। तो यही है कि गैरी बैलेंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, टेस्ट में दो देशों के लिए खेलते हुए और शतक जड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बहुत एक तरीके से यूनिक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के पास खिलाड़ियों का एक वो ऐसा नहीं है कि कोर ही रहता है, जो दूसरे देशों से एक तरीके से जाते हैं और वहां खेलते हैं। आप यॉन मॉर्गन की बात कर ले, तो आयरलैंड के लिए खेले, वहां भी रन बनाए और एक तरीके से फिर इंग्लैंड के लिए खेलते हुए नजर आए। बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के हैं, वहां खेलते हुए नजर आते हैं। जेसन रॉय साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन वहां खेलते हुए नजर आते हैं इंग्लैंड के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बल्लेबाजों का एक तरीके से मोंटी पेनेसर इंडिया के, लेकिन इंग्लैंड के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। तो बहुत खिलाड़ी ऐसे मिल जाएंगे जो कई देशों से आकर इंग्लैंड के लिए खेलते थे। तो अब अभी ऐसा नहीं है कि अभी देखने को मिलता है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स, अब तो टेस्ट में कप्तान भी है वहां के, लेकिन अब जिम्बाब्वे के लिए खेलते हुए नजर आएंगे गैरी बैलेंस, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है दो टेस्ट देशों में खेलते हुए, दो देशों के लिए खेलते हुए टेस्ट में शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।